हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिविल एस्पिरेंट। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि बहुत डिमांडिंग टॉपिक है, बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं इस टॉपिक पे, कि अगर आप ट्वेल्थ में हैं या फिर जस्ट ट्वेल्थ पास आउट हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं, तो अपनी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें। ठीक है, आईएएस आईपीएस बनना बहुत लोगों का ड्रीम होता है एंड ये एग्जाम इन इटसेल्फ थोड़ा तो टफ है एंड एक्चुअली इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ये। बट ये मैं नहीं कहूंगी कि बहुत टफ है, आपको डिमोटिवेट नहीं करूंगी, लेकिन आप कब इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन की, कब आप क्या चीजें अवॉइड कर सकते हैं। मैं एक चीज कहूंगी ना, जैसे मैंने जब स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, मैंने जब वीडियोस देखना स्टार्ट किया था, तो मोस्ट ऑफ द लोग यही बताते हैं कि ये करें, बट कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो कि आपको अवॉइड करनी होती है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उस चीज को पहले देख लें कि आपको क्या अवॉइड करना है। तो अगर आप ट्वेल्थ में हैं तो कैसे अपनी जर्नी को स्टार्ट करें, और अगर आप ट्वेल्थ पास हैं तो आप कैसे अपनी जर्नी को स्टार्ट करें, ये दो कैटेगरी पे हम लोग बात करेंगे आज। एंड इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं कुछ चीजें अपनी ऐड करना चाहूंगी, उसके बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। इंटरप्शन के लिए माफी चाहूंगा दोस्तों, वीडियो के बीच में मैं आपको एक गुड न्यूज शेयर करना चाहूंगा, इसके कारण जानकारी को पूरा जरूर सुनिएगा। दोस्तों मैं आपको फ्री यूपीएससी की क्लासेज के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, फ्री यूपीएससी की क्लासेज। मैं आपको ज्योग्राफी की फ्री क्लासेज के बारे में जानकारी देना चाहूंगा, जो कि ज्योग्राफी एक्सपर्ट हिमांशु शर्मा सर की हैं। अगर आप दिल्ली के किसी भी ऑफलाइन जगह पर जाके पूछेंगे ज्योग्राफी के लिए एक सबसे बड़ा नाम, तो मुझे लगता है कि हिमांशु शर्मा सर का नाम फर्स्ट रैंक पे होगा। दोस्तों हिमांशु शर्मा सर जो कि ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए अपना एक अलग ही नाम रखते हैं, इनसे आपको फ्री में पढ़ने का मौका मिल रहा है, वो भी प्रेप लेटर एप्लीकेशन के ऊपर। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको फ्री में क्लासेस देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इन क्लासेस के साथ में आपको यहाँ पर क्वेश्चंस बैंक देखने को मिल जाएंगे, ताकि आप जब इन क्लासेस को देखिए तो साथ साथ में आप प्रैक्टिस भी कर पाए। ज्योग्राफी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, जिसको समझने के लिए आपको एक मेंटर की जरूरत हमेशा रहती है, और हिमांशु शर्मा सर से बेहतरीन मुझे मेंटर को लगता नहीं है ज्योग्राफी के लिए। इनसे पढ़कर अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हैं, साथ में यहाँ पर आपको नोट्स, क्वेश्चंस बैंक सब कुछ आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अवेल जरूर कीजिएगा। लेकिन एक और बात, अगर आप इन सबको एक्सेस करना चाहते हैं, इसको अवेल करना चाहते हैं, तो आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, बिना कोड के आप इनको अनलॉक नहीं कर पाएंगे। और कोड के तौर पे आप यूज़ करेंगे CA99, मैंने डिस्क्रिप्शन में वापस से लिख दिया है, आप यूज़ करेंगे CA99। इस कोड को आप जैसे ही डालेंगे तो आपके लिए क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक हो जाएगी, बिना कोड के आप इनको अनलॉक नहीं कर पाएंगे। साथ में दोस्तों इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको फ्री में NCERT की समरी देखने को मिल रही है, यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन देखने को मिल रही है, क्विजेस देखने को मिल रहे हैं, बहुत कुछ आपको फ्री में यहाँ पे जानकारी देखने को मिल रही है, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, टेस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी तैयारी को आप शानदार बना सकते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है, जब मिलती है तो उसको अवेल कर लेना चाहिए। नीचे लिंक है, जाके अवेल जरूर कीजिएगा, CA99 कोड को यूज जरूर कीजिएगा। सो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी ऐसी फ्री क्लासेस के बारे में जानकारी दी है, और मैं आपको टाइम टाइम पे फ्री क्लासेस के बारे में जानकारी देता रहता हूँ, और प्रेप लेटर पे आपको टाइम टाइम पे फ्री क्लासेस देते भी रहते हैं, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। सो जाइए और अवेल कीजिए, चलते हैं वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी की अगर बात करते हैं, जो कि अभी 11th 12th में हैं और सोच रहे हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने सबसे पहले अपनी ग्रेजुएशन पे ध्यान देना है, या फिर आप क्या ग्रेजुएशन में लेंगे उस चीज के लिए बेस होता है आपका 11th 12th। तो आप 11th 12th पे फोकस करें, क्योंकि वो बेस होता है, अगर वो बेस आपका अगर थोड़ा भी हिलेगा तो आपकी बिल्डिंग अच्छी नहीं बन पाएगी। तो आप 11th 12th में हैं तो आप अपने बोर्ड्स पे ध्यान दीजिए एंड उस चीज को पहले पढ़िए, उसके बाद आप इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि क्या करना है आपको, एंड आप अपडेटेड रहिए कि क्या चल रहा है आसपास में, बट ज्यादा इन्वॉल्व मत होइए इस चीज में, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी की, जो कि जस्ट अभी ग्रेजुएशन में एंटर हुए हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने ये सोच लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको इस फील्ड में जाना है, आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा भी डाइसी सिचुएशन है कि हम करें, अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे, या फिर ये है कि ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, ये काम नहीं करना है आपको। सबसे पहले आप बैठिए, आप सोचिए, एनालाइज करिए कि आपको क्यों करना है, ठीक है, तो उसके बाद से तब आप डिसाइड करिए
कि आपको क्यों करना है, आपका एक मोटिव होगा कि ये हाँ इस चीज के लिए मुझे करना है, ये चीज मुझे चेंज करनी है, उसके बाद आपको जर्नी स्टार्ट करनी है। क्योंकि अगर आप ऐसी डाइसी सिचुएशन में स्टार्ट करेंगे ना, तो उसके बाद से आपको बीच में लगेगा कि अरे बहुत बोरिंग है, क्योंकि आपको सेम कंटेंट कुछ दिन पढ़ते रहना है, तो बोरिंग है या फिर नहीं हो रहा है। नहीं, मेंटली खुद को प्रिपेयर करिए सबसे ज्यादा, उसके बाद आप स्टार्ट करिए। अब बात आती है कि आप ये सब कर चुके हैं, तो उसके बाद से अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, आप सिलेबस देखिए यूपीएससी का कि क्या है, और बहुत लोग यूट्यूब पे उसको डिकोड किए हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो आप सिलेबस को समझने की कोशिश करिए। सिलेबस इन इटसेल्फ आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से एरियाज में ध्यान देना है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, लोग कहते हैं बहुत पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ना है बहुत में, ये चीज आपको सिलेबस से ही क्लियर होगी। तो आप वो देखिए, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, CSAT है तो CSAT में कैसा एप्टीट्यूड आता है, आपकी मैथ्स कैसी है, क्योंकि वो भी इन इटसेल्फ क्वालिफाइंग पेपर है, तो आपको वो क्वालिफाई करना है, ऐसा नहीं है कि आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो इस चीज को एनालाइज करिए। अगर आपने ये सब कर लिया, अगर आप सेकेंड ईयर में है, देन गो जस्ट बाई NCERTs। अब NCERTs को बाई करनी, कौन सी NCERTs बाई करनी है, ओल्ड या न्यू, किस क्लास से करनी है, इसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। एंड उसके बाद बात आती है कि आप कैसे रीड करें NCERTs को। आप बुक्स खरीदिए, ठीक है, और अगर आप बुक्स नहीं खरीद सकते हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं पैसा उसमें, तो आपको कहीं ना कहीं से PDF मिल जाएगी, समरी मिल जाएगी, आप उसको रीड करिए। NCERT में हर टॉपिक कवर होता है, बिल्कुल बेसिक से कवर होता है, एंड आपको ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकली सब कुछ उसमें पता चलता है, हिस्ट्री में आपको एंशियंट मेडिवल क्या हिस्ट्री थी हमारी वो पता चलता है, मॉडर्न इंडिया क्या था, एंड डिजिटल में तो अभी हम लोग बस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप इस चीज को NCERTs को रीड करिए, मल्टीपल टाइम्स रीड करिए उस चीज को, एंड देन आप एक आदत लगाइए करंट अफेयर्स को देखने की, कि इन आपके आसपास डेली बेसिस पे क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, आउटसाइड क्या चल रहा है, एंड इंडिया के किस कंट्री से कैसे रिलेशंस हैं। तो आप करंट अफेयर्स देखना स्टार्ट करिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप फर्स्ट डे जाइए द हिंदू उठाइए पढ़िए, लेकिन अगर आप कोई वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो वो ऑथेंटिक होना चाहिए, ठीक है, तो आप उस चीज को फॉलो करिए। जब आपको धीरे धीरे आदत लग जाएगी कि करंट अफेयर्स डेली देखने की, और आपकी स्पीड थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, आपकी वोकैब थोड़ी अच्छी हो जाएगी, आपको स्टैटिक नॉलेज हो जाएगा, तब आप द हिंदू पे जाइए, क्योंकि लैंग्वेज समझने में स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो आप तब द हिंदू पढ़िए, या फिर आप डेली का एनालिसिस देख लीजिए यूट्यूब चैनल्स पे, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो डेली करंट अफेयर्स लाते हैं। उसके बाद से हमारा बात आता है कि सब्जेक्ट स्टैंडर्ड बुक्स की, तो स्टैंडर्ड बुक्स हमें पहले नहीं पढ़ने हैं जब NCERT का बेस नहीं होगा। NCERT का बेस हो गया, उसके बाद से आपको पता चल जाएगा कि स्टैटिक सब्जेक्ट कौन सा है, जो कि एकदम फिक्स नॉलेज है, जो चेंज नहीं होगा, जो वेरिएबल नहीं है। तो उन सब्जेक्ट्स की आप स्टैंडर्ड बुक खरीदिए, आप उसको पढ़िए। जैसे मैं कहूंगी कि आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स, इसमें जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं, वो सब आप कवर करिए कि क्या है क्या नहीं है। जैसे पॉलिटी में अगर आपने ले लिया तो DPSP क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है आपके, इसमें रिसेंटली क्या ऐड हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये सब जब आपको नॉलेज रहेगा ना, तो आपको करंट अफेयर भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। क्योंकि करंट अफेयर्स इज रिवॉल्व जो होता है ना, मोस्टली वो पॉलिटी और इकोनॉमी के अराउंड होता है, बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर होते हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कोई बर्ड या फिर कुछ ऐड ऐसा होता है, वेटलैंड ऐड होता है, बट ये बहुत कम होता है। ऑन द डेली बेसिस आप देखते हैं जो वो पॉलिटी और इकोनॉमी रहती है। तो आप स्टैटिक सब्जेक्ट्स की स्टैंडर्ड बुक खरीदिए आफ्टर रीडिंग NCERTs। जब आप फोर्थ ईयर में हैं, अब आपका बेस बन गया बिल्कुल, NCERTs हो गई, स्टैटिक सब्जेक्ट्स की बुक्स हो गई आपकी स्टैंडर्ड, देन आप आइए नोट्स राइटिंग पे, ठीक है। अगर आप फर्स्ट डे से नोट्स बनाएंगे ना, ट्रस्ट मी आपको बुक का हर एक लाइन, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट लगेगा, और वो नोट्स आप बनाते जाएंगे और लास्ट में आप पढ़ेंगे नहीं। तो इतना हमें वो नहीं करना है, बल्कि नहीं बनाना है अपना नोट्स, बिल्कुल सिंपल एंड शॉर्ट रखना है, क्योंकि जब बाकी आप आंसर राइटिंग करने टाइम करेंगे तो उस टाइम आपके नोट्स खुद बन जाएंगे। तो उसके बाद आप जब स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लिए, उसके आगे अपने नोट्स बनाइए, आपने जो भी पढ़ा उसको पॉइंट्स में लिखने की आदत डालिए, एंड वो पॉइंट्स आप रिवाइज करते रहिए कंटिन्यूअसली। एंड जब आप एग्जाम, आप जिस ईयर में टारगेट कर रहे हैं, कि अगर आपने 2024 में टारगेट किया या 5 में किया है,
उससे पहले का, एक साल पहले का, 1.5 साल पहले का अपना एक प्लान बनाइए कि आप विद वर्किंग काम करेंगे या विदाउट वर्क आप काम कर रहे हैं, कोई जॉब के साथ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उस अकॉर्डिंग अपना प्लान करिए। सबका अलग अलग होता है, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम या फिर ऐसे होते हैं जो घर पे बैठे ही काम कर रहे हैं, या कुछ लोग डेली ऑफिस वाले होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग अपना मैनेज करते हैं। बट अगर आप कॉलेज में आपके पास इतना टाइम है ना, ट्रस्ट मी आप इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं एंड आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये एकदम माइंड में लेके मत चलिएगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फर्स्ट रैंक, अच्छी बात है, लेकिन कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि आप नहीं कर पाते हैं तो निराश नहीं होना है, नेक्स्ट अटेम्प्ट हमें देना है, अच्छे से देना है। तो आपका जब बेस हो जाता है ना, तब आप कभी भी फाउंडेशन बिल्डिंग कर सकते हैं अपनी। एंड जब आपने कर लिया ये सब, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स से जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं, ये सब तभी समझ आते हैं जब आपका बेस हो जाता है, स्टार्टिंग नॉलेज हो जाती है। इन सब सब्जेक्ट्स पे हमें ध्यान देना है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत मैंने क्लियर करने की कोशिश की है एंड आई होप ये हुआ होगा आपको क्लियर। एंड आपके जो भी टॉपिक्स हैं जिसपे आप वीडियोज चाहते हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस चीज़ पे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे एंड आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो ग्रेजुएशन पे ध्यान देना है, क्योंकि ग्रेजुएशन ऐसी डिग्री होती है ना, उसके जस्ट बाद आपको मिलती है नौकरी, ठीक है। तो बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, मैं आपको ये कह सकती हूँ कि ग्रेजुएशन पे ध्यान दीजिए, कि आपको कभी भी अगर फाइनेंशियली दिक्कत होती है या फिर आपको खुद अर्न करके पढ़ाई करनी है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में आप देखेंगे 50-60% मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो आप ग्रेजुएशन अच्छे से करिए, फर्स्ट सेकंड ईयर में है तब तो बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि आप इंटरव्यू में भी बैठेंगे ना यूपीएससी सिविल सर्विसेज के, तो आपसे पूछेंगे कि आपकी ग्रेजुएशन में आपने क्या पढ़ा, आपके क्या प्रोजेक्ट्स थे। तो इस चीज पे ध्यान दीजिए, अलॉन्ग विद ये चीजें कर सकते हैं, बट बहुत रिजिड नहीं होना है, बहुत ज्यादा खुद को एकदम डिप्रेस्ड करके नहीं पढ़ना है, अच्छी जर्नी करनी है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सिविल एस्पिरेंट। जो भी आपको न्यू वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए एंड थैंक यू सो मच।